नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मेरा जो वीडियो है वो बेबी बॉटल के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, मैंने अमेजोन से बेबी के लिए एक बॉटल मंगवाया था जो कि 3-in-1 है, बॉटल कम सिपर कम स्ट्रॉ। तो वो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि वो बॉटल कैसी है और वो किस तरह से यूजफुल है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये मैंने अमेजोन से मंगवाई थी, इसकी इस तरीके से ये देखिए पैकिंग आई थी और ये ऐसा डिब्बा आया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये बॉटल स्टील का है और इसके ऊपर जो निप्पल दी हुई है या स्ट्रॉज दिए हुए हैं वो सारे इसके सिलिकॉन के हैं और BPA फ्री है। तो और ये बॉटल 240 ml का है, काफी कैपेसिटी का है फ्रेंड। और इस बॉटल का नाम है चिनमय किड्स और इसके अंदर जो फ्रेंड्स है ये ऑटोमेटिक फीडिंग बॉटल है। मदर को ज्यादा उसको पकड़ने का नहीं रहेगा, आराम से बच्चा उसको पकड़ पाएगा। बेबी फ्रेंडली है ये, मतलब छोटे छोटे हाथ से भी उसको ग्रिप कर पाएगा। और ये स्टील का बना हुआ है। तो अब मैं इसको आपको खोल के बता देती हूँ ये कैसा बॉटल है। ये देखिए फ्रेंड, ये वो बॉटल है 240 ml की। इसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी कैपेसिटी है। ये पूरा स्टेनलेस स्टील है और इस पे छोटे छोटे देखिए आप बटरफ्लाई भी बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत है ये। और ये प्लास्टिक का है फ्रेंड। और ये जो इसका पैसिफायर है ये ऊपर है, ये देखिए ये सिलिकॉन का है। ये जो पैसिफायर है ये सिलिकॉन का है, ये प्लास्टिक का है। और ये हैंडल दिया जो अच्छे से बेबी ग्रिप कर सकता है, छोटे छोटे हाथों से अच्छे से ग्रिप कर सकता है। अंदर से भी देखिए फ्रेंड्स, ये स्टील ही है, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसका मैं बता दूं कि इसके अंदर एयर जाने का भी टेंशन नहीं, क्योंकि मदर रात होती है, बच्चे को दूध पिलाना है तो उसको पकड़ना पड़ता है, क्योंकि उसमें बार बार एयर चली जाती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर देखिए ये एक छोटा सा एयर पास होने के लिए ये दिया हुआ है। इससे एयर पास हो जाएगी तो बेबी के जो टमी में है वो एयर नहीं जाएगी, दूध जो है वो आराम से आएगा। और ये जो सिलिकॉन की निप्पल वो इस तरफ ऐसे बनाई हुई है कि उसे ऐसे ही लगेगा कि वो ब्रेस्ट फीड कर रहा है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी। और इसका जो सेकंड ढक्कन है जो कि एज ए आप सिपर इसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, एक इसमें बड़ी सी ये स्ट्रॉ आती है, ये भी सिलिकॉन की है। और एक इसके अंदर भी एक स्ट्रॉ है जिसको भी आप आराम से इस तरीके से निकाल के इसको धो सकते हैं। और इसके अंदर सिपर के अंदर भी एक होल दिया हुआ है ताकि उसमें कैसे भी करके फ्रेंड्स एयर बिल्कुल नहीं जाएगी, बेबी के पेट में एयर जाने का कोई भी चांस नहीं है। इसमें भी एक्स्ट्रा से निप्पल के अंदर भी, ये सॉरी स्ट्रॉ के अंदर भी, और ये देखिए यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा होल दिया हुआ है। तो कहीं से भी बेबी के टमी के अंदर एयर जाने का कोई भी चांस नहीं है। और इसको इस तरीके से आप इस बॉटल पे लगा देंगे तो ये आपका अब सिपर बन जाएगा इस तरीके से। और आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो या कहीं भी इसको लेके जाके आराम से इसको एज ए सिपर यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट है फ्रेंड्स, मतलब ऐसा नहीं है कि बेबी नहीं खोल पाएगा, मेरा बेबी आराम से खोल पाता है इसे। ये देखिए आराम से ये खुलेगा, ये बंद होएगा। तो एज ए ये सिपर के रूप में भी यूज है। तो ये हो गया इसका सेकंड। उसके बाद फ्रेंड्स थर्ड जो है, इसको आप नॉर्मल बॉटल भी बना सकते हैं। आप इसको स्कूल की बॉटल या ऐसी ट्रैवल बॉटल के रूप में भी बेबी के लिए बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें ये 3 डिटेचेबल पार्ट्स आए थे, एक तो ये वाला पैसिफायर वाला, दूसरा आप फीडिंग बॉटल स्ट्रॉ कम बॉटल। तो ये पूरा स्टील का है, थर्मो स्टील का है फ्रेंड्स, अंदर से बाहर से 240 ml का है, जो कि मेरे को मिला था 675 का अमेजोन से। तो मेरे को ये बहुत पसंद आई। रात को भी अगर आप नाइट में बेबी को दूध देना है या पानी थोड़ा सा वार्म करके रखना है इसमें, तो आराम से इसमें रह जाएगा और आराम से बेबी पी पाएगा। मदर को बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें एयर पेट में जाने की कोई जगह नहीं है। दूसरा इसमें जो ये ग्रिपिंग का है, ये प्लास्टिक का ही है फ्रेंड, पर इसमें देखिए
छोटे छोटे हाथों से वो आराम से ग्रिप कर पाएगा, अच्छे से पकड़ पाएगा, बच्चा कहीं गिरेगा नहीं। और ये दिखने में आपको हैवी लग रही है पर ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है फ्रेंड्स। और इसका डिजाइन बहुत सुंदर है, देखिए इसमें टू कलर है, एक पिंक और ब्लू। मैंने अपने बेबी के लिए ब्लू कलर ये पिंक कलर मंगवाया सॉरी। तो ये बॉटल मेरे को बहुत पसंद आई, तो मेरे को लगा कि अगर बेबीज के लिए अगर आप बॉटल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये चिनमय की किड्स बॉटल जरूर लें यहाँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये 3-in-1 है। आप इसको एज ए बॉटल, सिपर, नॉर्मल फिटिंग बॉटल भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मल्टी फंक्शनल बॉटल अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी बॉटल पे तो ये जरूर लें, क्योंकि आजकल प्लास्टिक को वैसे भी अवॉइड कर रहे हैं। और जहां तक बेबी का सवाल आता है तो आप कोशिश करें कि उसके लिए स्टील की चीजें ज्यादा लें। तो मैं आपको अगर कहूँ तो ये बॉटल बहुत ही अच्छी है, इजी टू होल्ड है, बेबी आराम से इसको होल्ड कर पाएगा, लाइट वेट है। और आपको 3 डिटैचेबल ये देखिए ढक्कन मिल जाते हैं, जो कि आपको एक ही बॉटल में आपको 3-3 चीजें मिल रही है, तो बहुत ही सही है पैसा इन्वेस्ट करना। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये बॉटल लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये बॉटल बहुत ही अच्छी है, इजी टू यूज है, क्लीन करना इसको बहुत ही इजी है, और इसका जो शेप है वो भी बहुत ही कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल बेबी को देखते हुए बनाया गया है, लाइट वेट है, आराम से बेबी इसको उठा पाएगा, ये इसका ग्रिप भी अच्छा है। तो एक ही बॉटल में आपको 3-in-1 मल्टी फंक्शनल चीजें मिल रही है, तो फ्रेंड्स आपको ये बॉटल पे जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये जो मेरा वीडियो है वो बिल्कुल भी अमेजोन की तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है, मुझे लगा कि ये इसको बताना चाहिए इस बॉटल के बारे में रिव्यू, तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसको यूज किया हुआ है, बहुत ही सही बॉटल है। तो फ्रेंड्स आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये बॉटल पे जरूर इन्वेस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।